नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में बनने वाले देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन के बारे में। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और अब बिहार सरकार भी बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बिहार की तरफ से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने इको टूरिज्म पर भी जोर दिया है। भगवान बुद्ध की इस मिट्टी ने इतिहास को बहुत कुछ दिया, लेकिन समय के चक्र में कहीं इसकी विरासत गुम हो गई है। हालांकि अब जाकर बिहार नए कीर्तिमान रच रहा है। इसी कड़ी में बिहार अब अपने नाम एक और नए कीर्तिमान को दर्ज करवाने जा रहा है, जिसके तहत बिहार में देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनकर तैयार होने वाला है। इसको लेकर तालाबों का चयन कर लिया गया है, साथ ही तालाब पर इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो तालाब पर तैयार हो रहे देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन की वाटर स्क्रीन पर बिहार का इतिहास भी दिखाया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से इस काम को धरातल पर उतारने के लिए पहल भी शुरू की जा चुकी है। इतना ही नहीं, इसको लेकर तो वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का उद्देश्य बिहार में पर्यटकों को बिहार की तरफ आकर्षित करना है। इसको लेकर योजनाएं भी हालांकि बनाई जा रही है। उन्होंने इस बाबत ये भी कहा है कि बिहार में एक भी वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन नहीं है, जिसकी वजह से बिहार के लोग बाहर जाकर इस म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लेते हैं। लेकिन अब यह म्यूजिकल फाउंटेन बिहार में मिले, इसके लिए हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें, पर्यटकों को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने जोर देते हुए अपनी विशेषताओं को पर्यटकों के सामने लाने की योजनाओं को बनाते देखा है। वन एवं पर्यावरण विभाग इस योजना को जल्द ही अब लागू करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ही देश में सबसे बड़ा वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन लगाने को लेकर कर्मी भी जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत पटना के इको पार्क या शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क से हो सकती है। इस योजना पर कार्य बहुत जल्द शुरू होगा, जहां बूढ़े बच्चे सभी लोग म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद ले सकते हैं। इस वाटर म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का उद्देश्य मात्र यही है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में बनने वाले देश के सबसे बड़े फाउंटेन के बारे में। लाइट और साउंड शो के लिए 65 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक से 121 3D नोजल और 45 2D नोजल लगाए जाएंगे। 50 फीट से 130 फीट ऊंचे फव्वारे चलेंगे, जो पूरी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रित किए जाएंगे। इस शो के लिए पानी का स्क्रीन बनाया जाएगा, जो रात के समय अदृश्य रहेगा, और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट के माध्यम से बिहार के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। लगभग 1450 वर्ग फीट क्षेत्र में नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस शो का डिजाइन संगीत और फिल्मांकन संगीत के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार इस फाउंटेन को बनाने में काफी पैसे भी खर्च कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार इस तरीके के फाउंटेन को बनाने का काम कर रही है। सरकार भले ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन लगाने की बात कह चुकी हो, लेकिन इससे पहले भी बिहार सरकार के माध्यम से पटना के गोलघर पार्क में 4 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। शुरुआती दौर में यह म्यूजिकल फाउंटेन काम तो करता देखा गया, लेकिन फिर बाद में बंद कर दिया गया। इसको देखने वाले भी कोई नहीं आते थे। दर्शकों के अभाव के कारण ही इस फाउंटेन को बंद किया गया। हालांकि इस बार जिस म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण करवाया जा रहा है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह पर्यटकों को खूब पसंद आएगी और इसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से चलकर बिहार की तरफ जरूर कूच करेंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार में बनने वाले इस म्यूजिकल फाउंटेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।